नई दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए हिंदुस्तान को मिली है बहुत बड़ी कामयाबी। नई दिल्ली घोषणा पत्र में जिन बातों का जिक्र किया गया है विस्तार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सुन भी रहे थे। यूक्रेन का 4 बार जिक्र आया है, रशिया का जिक्र वहां पर नहीं किया गया है। मानवता केंद्रित कैसे विकास हमारा होना चाहिए इस बारे में बार बार विदेश मंत्री फोकस करते हुए तो वित्त मंत्री ने बताया कि किस तरह से हिंदुस्तान सभी देशों को लेकर आगे बढ़ने पर प्रतिबद्ध है। आतंकवाद का जिक्र कई बार आया है, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए किस तरह की प्रतिबद्धता होनी चाहिए नई दिल्ली घोषणा पत्र में इसका भी जिक्र किया गया है। और यकीनन आज 2 बड़ी कामयाबी मिली है G20 के इस बड़े आयोजन के जरिए हिंदुस्तान को, राजधानी दिल्ली को, मोदी सरकार को, और जिस तरह के कड़े कदम उठाए जा रहे हैं यकीनन आगे आने वाले वक्त में उसका बड़ा असर भी देखने को मिलेगा। जिस तरह के बड़े फैसले यहां पर किए गए हैं आपको बताते चलें कि जिस तरह की स्थिति है, मुझे यहां पर अलग अलग इंटरव्यू चल रहे हैं इस वजह से मैं अपनी बात आराम से कहूंगी। यहां पर आपको बता दें ये रिपोर्ट देखते हैं उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। G20 के मेहमानों का स्वागत भारत ने दोनों बाह फैलाकर किया। स्वागत में खड़े प्रधानमंत्री मोदी ने किसी को गले से लगाया, किसी का गर्मजोशी से स्वागत किया, किसी से हालचाल पूछा, किसी के साथ खिलखिलाकर हंस पड़े। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को तो कोणार्क के यूनेस्को हेरिटेज साइट कोणार्क सूर्य मंदिर के उस चक्र के बारे में समझाया जिसमें सनातन की 2500 साल पुरानी पहचान दिखती है। G20 के अध्यक्षीय मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार हैमर डिक्लेरेशन किया। पहली बार अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता की घोषणा को लेकर, दूसरी बार दिल्ली डिक्लेरेशन मंजूरी की घोषणा के साथ। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्लैनेट, पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, 4 मुद्दों पर भारत ने G20 के दिल्ली घोषणा पत्र में पूरी दुनिया के नेतृत्व को जिन बातों पर सहमत किया उनमें बड़े मुद्दे ये रहे। अब विश्व को सशक्त, सतत, संतुलित और समावेशी विकास की तरफ बढ़ना है। इसके लिए सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तेजी से प्रगति की जरूरत है। भारत ने सतत विकास के लिए हरित विकास समझौते पर दुनिया को सहमत किया। इसके अलावा 21वीं सदी में दुनिया के बहुपक्षीय संस्थानों के गठन पर जोर दिया गया। भारत ने G20 के मंच पर अपनी अध्यक्षता में जिन मुद्दों पर पहल की उसमें पर्यावरण, जलवायु निगरानी के लिए G20 सैटेलाइट मिशन लॉन्च करना, पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाने की वैश्विक पहल करना और ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव शुरू करने जैसी बड़ी पहल पर दुनिया को राजी करने में कामयाबी पाई। The declaration that the leaders have agreed on today focuses on promoting strong, sustainable, balanced and inclusive growth. It envisages a green development pact for a sustainable future. दिन के दोनों पालियों में G20 के सम्मेलन की 2 थीम रही। पहली पाली में वन अर्थ थीम पर चर्चा हुई, दूसरी बार वन फैमिली पर चर्चा हुई। विश्व बंधुत्व के साथ विश्व शांति की बात हुई। इन्हीं दोनों कार्यक्रमों के बीच भारत के पीएम ने कई द्विपक्षीय बातचीत भी की। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से पीएम मोदी की गर्मजोशी भरी मुलाकात रही। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को गले से लगाकर पास में बैठाया। दोनों देशों के साथ कारोबार के मुद्दे पर चर्चा हुई। जापान के पीएम फुमियो किशिदा के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत हुई। तमाम बैठकों, मुलाकातों के बीच एक और तस्वीर चर्चा में रही जिस पर चीन की नजर थी।
G20 सम्मेलन के साइडलाइन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, पीएम मोदी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला, वर्ल्ड बैंक के अजय बांगा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा ने एक साथ अलग से तस्वीर खिंचाई। इस तस्वीर के मायने और मकसद का विश्लेषण नहीं किया गया, लेकिन दिल्ली में चल रही इन बातचीत के बीच दूर चीन के ग्लोबल टाइम्स ने, जो अमेरिका से ग्लोबल साउथ होते हुए भारत तक जिस रेलवे कनेक्टिविटी का जिक्र किया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि G20 के मंच पर आधे दक्षिणी गोलार्ध को जोड़ने की पहल जो पीएम मोदी ने की, उसकी चोट चीन तक लग गई है। वैसे इस भारत की अध्यक्षता में G20 की कामयाबी के बारे में बस इतना समझिए कि भारत की अध्यक्षता में G20 की उत्पादकता पिछले 5 साल के अन्य सम्मेलनों के मुकाबले 2 गुने से 5 गुना अधिक हुई है। आज तक ब्यूरो। अफ्रीकन संघ को लेकर हिंदुस्तान को मिली है बड़ी कामयाबी। जिस तरह से 55 देशों के समूह को लेकर G20 में अब तमाम देश आगे बढ़ेंगे, भारत की ओर से प्रस्ताव रखा गया, नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव रखा, उसको पास किया गया और उसके बाद हमने देखा किस तरह की तस्वीर सामने आई। वहीं नई दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर भी एक अलग तरह का माहौल। यकीनन कई मुद्दों पर अगर आम सहमति बना पाने में हिन्दुस्तान कामयाब होता है तो ये हिन्दुस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। सभी हमारे साथ इस वक्त नोएडा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं भारत मंडपम में, जहां से ये लाइव कवरेज देख रहे हैं। मेरे ठीक दाहिनी तरफ वो बड़ा सा हॉल है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार जारी है। भारत मंडपम से ये चर्चा जारी है, स्टूडियो में भी खास तैयारी है, खास मेहमान वहां से जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवा देती हूं। पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव डोगरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल संजय मेस्टन जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, रविंदर सचदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप डायरेक्टर हैं इंडियन अफेयर्स यूएसआई एनपीएसी के, जितेंद्र नाथ मिश्र जी पूर्व राजदूत हमारे साथ हैं, पूर्णिमा नाथ भू राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं और वंदना राणा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप निदेशक हैं एआई एंड डेटा माइक्रोसॉफ्ट की। आप सभी का बहुत स्वागत है। अशोक सज्जनहार जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हुए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है या जो बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई हैं, तीन बड़ी बातें जिस पर आपकी सबसे ज्यादा नजर गई और हिन्दुस्तान को कामयाबी मिली वो क्या रही? देखिए, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले, क्योंकि आज जिसे कहा जाए एक भारत के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, भारत आज शुरुआत हुई है G20 हमारी प्रेसिडेंसी की, बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर आए हैं और मेरे विचार से जब शुरुआत हुई तो किसी ने ये अनुमान नहीं लगाया होगा जो इतना सफल दिन रहेगा भारत के लिए। और सबसे पहली सफलता, आपने तीन बातें पूछी हैं जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगी आज की जो भी कार्यक्रम हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जो एकदम शुरू सुबह में प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना जो सर्वसम्मति से अफ्रीकन यूनियन को 21वां सदस्य बनाया जाएगा G20 का, तो ये मेरे विचार से बहुत ही महत्वपूर्ण एक जी निर्णय था। सभी सोच रहे थे, दो चीजें इसमें सोच रहे थे, अगर इसके ऊपर बात होती है तो ये कल बात होगी क्योंकि कल आखिरी दिन होगा इस शिखर सम्मेलन का, और दूसरा जो एक कोई देश इसमें अड़ंगा डाल सकता है जो भारत को इसका श्रेय नहीं मिले पूरी तरीके से। परंतु उन सब चीजों को नकारते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो इनका ये बिल्कुल सर्वसम्मति से उनको यहां पर मिलाने का निर्णय लिया गया है, तो सबसे पहली बात ये। दूसरा जो उन्होंने दूसरे सत्र के शुरू होने से पहले ही उन्होंने कहा जो ये दिल्ली डिक्लेरेशन सर्वसम्मति से अडॉप्ट हो गया है, ये मेरे विचार से किसी ने सोचा ही नहीं था। पूरी दुनिया में, केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो यही सोच रहा था जो किसी प्रकार से भारत ये जो दो बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम व्यूज हैं, पोजीशंस हैं, उनको नहीं पाट पाएगा और इसमें जरूर या तो दिल्ली डिक्लेरेशन हो नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ इसमें दिक्कतें जरूर होती रहेंगी। परंतु प्रधानमंत्री मोदी का ये अनाउंस करना, ये घोषणा करना शुरू में ही दूसरे सत्र के, ये बिल्कुल ही सभी को अचंभित कर गया और ये बहुत ही अच्छी, हमारे लिए बहुत ही अच्छा, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। जो वो तीसरा मुद्दा क्या रहा, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले एक एक टिप्पणी जल्दी जल्दी मैं बाकी लोगों से भी ले लेती हूँ। राजीव डोगरा जी, सीधे आपके पास आते हुए, रूस का जिक्र नहीं करना, यूक्रेन का 4 बार जिक्र होना, इसके जरिए संकेत और संदेश क्या पढ़े जाएं? और दो बड़ी बातें अगर आपकी नजर में, ये जो घोषणा पत्र निकलकर सामने आया है नई दिल्ली का और आज पूरे दिन की जो बड़ी कामयाबी आपने नोटिस की हो इस G20 के जरिए। देखिए, सबसे बड़ी कामयाबी तो ये है कि ये समझदारी और शांति की विक्ट्री है, ये किसी एक ब्लॉक की विक्ट्री नहीं है कि कहा जाए कि
वेस्ट की विक्ट्री है और रूस की हार है, तो मेरा ख्याल सब साइड की एक जनरोसिटी इज द रॉन्ग वर्ड, पर सब की एक ग्रेशियसनेस है कि हमको ब्रिंक से वापस आना चाहिए, हम जिस मझधार में जाने वाले हैं वहां से वापस आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये सबको इन्वॉल्व करना, ना सिर्फ अपने देश में इंडिया में पर ग्लोबली। पिछले कुछ महीनों से एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन रहा था जो पहले G20s में नहीं होता था। पहले तो एक मीटिंग होती थी और जो मीटिंग के सदस्य हैं वही इंटरेस्ट लेते थे, पर अब विश्व की निगाहें थी कि क्या ये G20 की मीटिंग जो इंडिया में हो रही है ये कुछ स्पेशल होगी, तो उसको इन्वॉल्व करना एक बड़ा अच्छा कूटनीतिक कदम था कि अगर ये फेल हो गई तो सारी दुनिया क्या सोचेगी। तो मेरे को लगता है चीन ने और बाकी भी जो देश इसमें इन्वॉल्व थे उन्होंने भी ये सोचा होगा कि अगर हमारा नेगेटिव रोल रहा तो हमको विश्व की ओपिनियन को झेलना पड़ेगा। तीसरी बात ये है कि इंडियन डिप्लोमेसी की दाद देनी चाहिए, शेरपा की एफर्ट्स की भी दाद देनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की दाद देनी चाहिए। ये सब ने मिलके एक जो असंभव स्थिति थी उसको संभव कर दिया। तो भारत ने एक बिल्कुल सही बात आपने कही है कि असंभव से संभव की ये यात्रा है जो G20 के जरिए हिंदुस्तान ने हासिल की है। अलग अलग मुल्कों की अलग अलग आवाजों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना और फिर उसको एक ताकत के रूप में दुनिया भर तक लेकर जाना, उसमें हिंदुस्तान को यकीनन कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। संजय मिश्र जी, सीधे मैं आपके पास आते हुए, चूंकि रूस का जिक्र नहीं किया गया है, रक्षा व्यापार में 2020 की अगर मैं बात करूं 50% तक हिंदुस्तान के उसके साथ साझेदारी थी और इसके अलावा अलग अलग मोर्चों पर भी वो हम पारंपरिक तौर पर सदियों से लगातार वो हिंदुस्तान की किस तरह से मदद करता रहा है, कैसे हम दोनों देश आगे बढ़ते रहे हैं, रूस का यहां पर जिक्र नहीं होना और यूक्रेन का चार बार जिक्र होना, इसके जरिए कौन सा संदेश देने की कोशिश की गई है? युद्ध किसी बात का समाधान नहीं हो सकता है, इस पर भी फोकस किया गया है, लेकिन अगर रशिया का जिक्र नहीं होता है और पश्चिमी देशों की मौजूदगी में रूस का जिक्र नहीं होता है तो इसके संकेत क्या समझे जाए? चित्रा, एक्चुअली आपका क्वेश्चन मैं पूरा सुन नहीं पाया था, आई एम वेरी सॉरी, बट मैं इतना बोलना चाहूंगा जितना भी मेरे को समझ में आया है। पहली बात तो ये पूरे इंडिया के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, पूरे भारत के देशवासियों के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, मेजर ब्रेक थ्रू और ये मेजर एक आउटकम है। दूसरा, सिक्योरिटी के लिहाज से एम्बेसडर्स ने बता दिया ऑलरेडी ये अफ्रीकन यूनियन के बारे में, बट मेरा मानना है कि रशिया यूक्रेन वॉर बहुत अहमियत से इसको भी हमने इंक्लूड कर लिया टेक्स्ट में, और आज हमारे ये क्या मिनिस्टर ने यह बहुत साफ साफ बोला है लफ्जों में कि इसमें ब्राजील, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका का हिंदुस्तान के बिसाइड्स ये बहुत बड़ा रोल रहा है ये ड्राफ्ट को तैयार करने में, तो वो एक और खूबी है। न्यूक्लियर के लिए बहुत साफ लफ्जों में है कि नो न्यूक्लियर वेपन्स विल बी यूज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तीसरा है टेररिज्म के खिलाफ में, और रशिया का नाम टेक्स्ट में अगर नहीं है, लेकिन ये जो विस्तार से जो यूक्रेन के ऊपर रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर जो पैराग्राफ्स हैं, मेरे ख्याल ये जो चार देशों ने और खासकर जो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप और हमारे जो शेरपा हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारे डिप्लोमेट्स ने बहुत अहमियत से ये बनाया है, और तीन यंग ऑफिसर्स का भी उन्होंने नाम लिया है मेरे ख्याल, नायडू और माथुर और आशीष सिन्हा, मेरे ख्याल उनको पूरे देश की कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि ये टेक्स्ट मेरे ख्याल किसी ने उम्मीद नहीं की थी रशिया यूक्रेन के बारे में कंसेंसस होगा। थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर थे, लेकिन रशिया का नाम ना होना और यूक्रेन का नाम होना तो काफी इनडायरेक्ट मैसेजेस वेस्ट को भी गया है, तो मेरे ख्याल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जो मल्टीलेटरिज्म की बात है इस पे अभी पूरे विश्व का फोकस होगा, और साथ में अब मेरे को ये लगता है कि एक एक्शन प्लान ड्रॉन अप होना चाहिए कि ये जितनी भी चीजें यहाँ डिस्कस हुई हैं इनको ग्राउंड में एक टाइम फ्रेम देना चाहिए जिससे ये सब जल्दी जल्दी अमल हो और इंडिया की जो छवि है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगी। मेरे ख्याल हमारी लीडरशिप
ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। यकीनन हमारी जो लीडरशिप जिस ताकत के साथ उभरी है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। ये जो बड़े बड़े देश आज हमारे मंच पर हैं, एक वक्त पर इनके सामने हिंदुस्तान की कितनी दयनीय स्थिति होती थी, ये भाव देने तक में हमें समय देने तक में ये हमें झिझकते थे, लेकिन आज जब हिंदुस्तान आंखों में आंखें डालकर बराबरी की बात करता है और नई दिल्ली डिक्लेरेशन के जरिए वो बताता है कि रूस हमारा दोस्त है तो है, बहुत सारे मुद्दों पर हम उसको अपने मंच पर यहां पर आकर, क्योंकि मुझे इंडोनेशिया की याद आती है, पिछले बार जब G20 का सम्मेलन वहां पर आयोजित किया गया था उनके राष्ट्राध्यक्ष की ओर से इस बारे में गुजारिश की गई थी, रशिया के विदेश मंत्री वहां पर मौजूद थे कि आप पहले चले जाएं क्योंकि जो घोषणा पत्र है उससे आप वहां पर पैदा हो गई थी, लेकिन हिंदुस्तान अगर रूस को यूक्रेन के साथ शामिल नहीं युद्ध की स्थिति है तो यकीनन इसके जरिए दोनों ही अलग अलग गुटों भी बहुत बड़ी हिंदुस्तान को दिखाई दे रही है। रविंदर जी आपके पास आते हुए जो घोषणा पत्र मैं उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी, आतंकवाद के हर रूप की निंदा की गई, आज का जो युग है वो कतई युद्ध का युग नहीं है, 9 बार गया है परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या फिर धमकी भी पूरी तरह से अस्वीकार, और इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया है कि किसी भी देश की अखंडता के खिलाफ धमकी या बल प्रयोग कतई नहीं किया जाए, हिंदुस्तान की बड़ी ताकत दिखाती है अगर इस तरह का संदेश वो देता है तो। पॉइंट्स बोले, इनमें से मैं पहले एक ये ले लूं कि दिस इज नॉट द ही कोर हो जाता है सारी सिचुएशन का, बन रहा है या नया मैट्रिक्स बन रहा है, ये नया युग चालू हो रहा है, दिस इज नॉट द एरा era to live and let live, this is the era to walk the middle, north or south ko bridge kara jaye, human centric development ho, ki desh keval market hai, desh market ki human centric development hai, to ye secondly ek tarah se aap samjhiye ki duniya is samay main to baar baar हो रही है, ये नया युग शुरू हो गया है रियलिटी में, तो इस दुनिया सॉफ्टवेयर क्या होगा, ये दुनिया अब रही है, विलेज बन रही है, ज्यादा इंटरकनेक्ट हो रही है, तो ये गांव जो होगा इसमें किन रूल्स के अकॉर्डिंग हम आपस में रहेंगे सारे देश मिलकर, जो आई थिंक अमिताभ कांत ने भी कहा था कि ये रिफ्लेक्ट करता है घोषणा पत्र, रशिया वॉर का भी जो जिक्र है या नहीं है जिस तरह से उसे पेपर ओवर किया, रियलिटी रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हमें रियलिटी समझनी है और रियलिटी समझते हुए आगे के रास्ते ढूंढने और निकालने हैं, और इसको आगे कैसे ले जाएंगे। मैं स्पेकुलेट कर सकता हूं कि यूएन की मीटिंग्स आने वाली, इंडिया देखिए इंडिया ने क्या करा, ग्लोबल अब G20 की चीजें लेकर के हम यूएन जाएंगे, भाई पूरी तरह का आर्किटेक्चर है ना, तो अब जो ये रेजोल्यूशन निकला, ये जो पूरी प्रोग्राम है यूएन में, अब आगे पुश किया जाए ताकि पूरी दुनिया का आर्किटेक्चर एक बिल्कुल सर। रविंदर जी से जो सवाल मैंने पूछा, जो नई दिल्ली डिक्लेरेशन में शामिल किया गया है कि किसी भी देश की हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ना धमकी भरे अंदाज का इस्तेमाल, को भी बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ कभी बधाइयां, देश को बधाइयां, गवर्नमेंट को बधाइयां, आपको भी बधाइयां, नमस्कार। ये जाहिर है कि ये केवल यूक्रेन के बारे में नहीं, भारत से कि ये युद्ध का समय नहीं है, हम सब साथ चले, इसलिए कि चीन की जो भूमिका थी इसमें ये तो सब जानते हैं, इसका बहुत विश्लेषण हो चुका है, मैं ज्यादा नहीं, के सामने शायद ऐसा कोई रास्ता नहीं था, हमने सुना कि तो अच्छा नहीं लगता दुनिया के सामने चीन, अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी G20 में जो भी डिक्लेरेशन
ये भी एक सवाल है, तो चीन भी सोच सकता है कि अगर ज्यादा जैसा कि डेट सर्विसिंग एलडीसीज की जो बिलियन डॉलर्स है, डेविड मेलबस फॉर्मर वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ने, हैरान होने की बात यह है कि टू थर्ड जो है का डेट है, मतलब चीन ने आपको लोन दिया, आपने डेवलप, अच्छा आप लोन भी देते हैं मदद भी करते हैं और एट डेट से बीआरआई के वो चीन के डेट से टू थर्ड फ्रॉम चाइना, तो इसका मतलब है कि अगर इस बात पर अगर इनको जो दुनिया कह रही है कि बीआरआई अच्छा नहीं है और फंसाता है विकासशील देशों को डेट में जी, तो वो साबित हो जाता, तो ये सब सोच के मैं कह रहा हूं कि चीन की चीन ने सोचा होगा और सबसे बड़ा आउटकम यह है, आप कुछ कह रही हैं, सबसे बड़ा आउटकम यह है मैं मानता हूं, मैं ये कहना चाह रही हूं कि बदली हुई परिस्थिति में देखिए मौजूदा वक्त में विकसित और विकासशील देशों के इस मंच के जरिए और दुनिया की 20 बड़ी आर्थिक ताकत के जरिए एक बड़ा संदेश जो पहुंचा पाने में हिंदुस्तान को कामयाबी मिली है यकीनन वो अपने आप में अभूतपूर्व है। इतना बड़ा आयोजन देश के अलग अलग हिस्सों में G20 के अलग अलग कार्यक्रम कराए जाते रहे और उसके बाद नई दिल्ली डिक्लेरेशन के जरिए पूरी दुनिया को एक संदेश है कि एक ताकतवर मुल्क के रूप में हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ रहा है। पूर्णिमा नाथ जी मैं फौरन आपके भी पास आऊंगी, वंदना राणा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप दोनों के पास मैं फौरन आऊंगी, लेकिन उसके पहले आज अपने ओपनिंग रिमार्क में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किस तरह से वैश्विक मंच को बड़ा संदेश देते हुए कहा गया है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के जरिए हम आगे बढ़ेंगे, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। पीएम ने और क्या बड़ी बातें कही है सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास एक भरोसे में बदले, यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है हेवम लोकसा हित मुखेति अथ यम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। कार्रवाई शुरू करने से पहले हम सभी की ओर से कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड फ्यूल
और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुरुआत में अपने ओपनिंग रिमार्क में क्या बड़ी बातें कही वो आपने सुन लिया है। यकीनन अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने ना ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान के लिहाज से, 1963 में इसका गठन हुआ था और अफ्रीकी देशों में जो गरीब पिछड़े देश गुलाम रह गए थे उनको आगे बढ़ाने का इसका मकसद था, लेकिन G20 के जरिए उनको लेकर अब तमाम देश कैसे आगे बढ़ेंगे ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। और आज उसकी बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान में इसी मंच पर 55 देशों का ये समूह है, जरा सोचिए इसके जरिए हिंदुस्तान की ताकत किस तरह से बढ़ती हुई नजर आई। इन सब के बीच आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ एक मंच पर हैं। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन को लेकर किस तरह से अलग अलग मुल्क एक साथ एक दिशा में आगे बढ़े अब इसको लेकर भी यकीनन वार्तालाप की जाएगी और बड़ी चर्चा की जाएगी। सीधे पूर्णिमा नाथ जी में आपके पास आते हुए, जो वर्ल्ड ऑर्डर है समय के साथ वो हमेशा बदलता रहा और आगे आने वाले वक्त में क्या ये माना जा सकता है कि चीजें और ज्यादा बदल सकती हैं? फिलहाल ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आपको बता दें बेहद इंपॉर्टेंट खास हो जाती हैं, अलग अलग तस्वीरें चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर जगह इस वक्त मुलाकात भी चल रही है, अलग अलग जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसको लेकर यहां पर और काफी ज्यादा इस वक्त जिस जगह पर भारत मंडपम में मेरी मौजूदगी है यहां पर जो मीडियाकर्मी है उनकी भी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इसकी शुरुआत हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंच पर मौजूदगी है और इसके जरिए भी एक बड़ी दस्तक देने की यहां पर बड़ी तैयारी की जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की, ये तस्वीरें शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं और आपको बताते चलें कि इसके पहले भी द्विपक्षीय मुलाकात उनकी हो चुकी है पीएम आवास में और आज का ये दिन भी काफी ज्यादा खास हो जाता है। G20 का ये बड़ा मंच और यहां पर ये अलग अलग तस्वीरें जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जो लगातार सामने आ रही हैं, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की ये लॉन्चिंग है जिसकी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पूर्णिमा जी सीधे आपके पास आते हुए मैं चाहूंगी जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं उस पर भी आपकी टिप्पणी हो जाए और हिन्दुस्तान ने इस कार्यक्रम के जरिए क्या हासिल किया और वर्ल्ड ऑर्डर में आगे आने वाले वक्त में हिन्दुस्तान की क्या बड़ी भूमिका रहने वाली है, मैं चाहूंगी कि उसके बारे में भी आप प्रकाश डालें। देखिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एजेंडा है। समहाउ मैं अभी अमेरिकन सिटीजन हूँ, इंडियन बोर्न अमेरिकन सिटीजन हूँ, यहाँ पे WEF की जो इम्पैक्ट है इट्स नॉट वेरी गुड एट ऑल। एट द सेम टाइम ये जो चाइना का सोशल क्रेडिट है ना समहाउ द ESG सिस्टम जो इम्प्लीमेंट करा गया था ऑन द कॉरपोरेट सिस्टम्स दैट वाज आल्सो क्वाइट प्यूनिटिव। आप कोई उसके लाइन में नहीं टो करेंगे तो उनको पनिशमेंट की जैसा होता था। अभी जो मैंने सुना है आई हैव टू रियली लुक इनटू इट इन डिटेल एंड अंडरस्टैंड अ बिट, यहाँ पे क्लाइमेट या ग्रीन क्रेडिट के बारे में बोला गया है। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटेशन का सीन क्या है बट इफ इट कम्स टू दैट पॉइंट मेरे कोई क्रेडिट सिस्टम बना के रखे है उसके तो लाइन टो नहीं हुआ तो प्यूनिटिव सिस्टम आने वाला है समथिंग लाइक दैट। इफ इट इज गेटिंग इम्प्लीमेंटेड इट्स गोइंग टू बी वेरी क्वाइट डिफिकल्ट एंड क्वाइट डेंजरस। बट क्वेश्चन ये था कि इंडिया क्या हासिल किया है, मैं ये बताऊंगी कि इंडिया का G20 जो है ये एब्सोल्युटली यूनिक था। ये सिर्फ देश जो G20 की मेंबर्स थे वो नहीं थे, ऑब्वियसली गेस्ट को बुलाए थे। कि क्या बातचीत हो रही है वहां पर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत प्राथमिकताओं में से एक है, सीधे सुनते हैं मंच पर क्या बातें हो रही हैं। Biofuels Alliance with multi-stakeholder support spanning 19 countries and 12 international
organizations will identify and address the challenges inhibiting biofuel adoption and production, development and adoption of internationally recognized standards and sustainability requirements, help in reduction in global transportation emissions, increase access to clean cooking fuel, increase farmers' income. पहले ही एक वैश्विक जैव ईंधन बनाने की बात हुई थी और उसमें कामयाबी मिलती हुई भी नजर आ रही है। यहां पर तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, जो यकीनन हिंदुस्तान के लिए जो जो लक्ष्य हमने तय किए थे, जिस पर बात करेंगे, आपसी सहमति बनाएंगे, उस पर कामयाबी मिलती हुई एक एक करके वो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। अब मैं सीधे वंदना राणा जी आपके पास आते हुए, आप चूंकि एआई एंड डेटा की माइक्रोसॉफ्ट के निदेशक हैं, आपसे बातचीत करना बेहद खास हो जाता है। एआई के जरिए एक अलग तरह का वेलकम भी इसी भारत मंडपम में हमने देखा है और यकीनन जितने भी रिसर्च आए हैं सामने उसमें हिंदुस्तान कितनी तेजी से आगे बढ़ा है, हर एक मोर्चे पर उसका भी बार बार जिक्र होता है। आज के इस आयोजन के जरिए भारत ने क्या हासिल किया, कौन सी उपलब्धि आपको सबसे बड़ी नजर आती है और एआई का जिस बड़े पैमाने पर यहां पर इस्तेमाल किया गया है, मैं चाहूंगी उस पर भी आप रोशनी डालें। जैसे रविंदर जी ने कहा कि दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर, दिस इज एरा ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैं ये कहूंगी कि ये एआई जो है अभी सारी कंपनीज, अभी आप देखो जो भी जितनी भी चीजें हो रही है एआई के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो आपका एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, हर चीज में एआई की जरूरत है। तो हमारी लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्टेट विजिट में कहा था कि एआई बहुत प्रगति कर रहा है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो अमेरिका इंडिया की घनिष्ठता हो, राइट। तो और हमारी यूनियन बजट 2023 में हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने कहा था, मेक एआई फॉर इंडिया, नॉट जस्ट मेक एआई फॉर इंडिया बट मेक एआई वर्क फॉर इंडिया। इसका मतलब हुआ कि एआई टेक्नोलॉजी और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ही नहीं बल्कि उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए रियल इम्पैक्ट, रियल एड्रेस करने में कंट्री के चैलेंजेस को। तो मैं तो ये कहूंगी कि जिस तरीके से हमारी इतनी सारी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, एआई के बिना किसी का सलूशन नहीं है। ये एक प्लेटफॉर्म है, G20 का प्लेटफॉर्म है जिसमें सारी कंट्रीज साथ आ रही हैं और ग्लोबल कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन के तहत एआई को यूज करके हम अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी बिल्कुल सही कहा आपने, एआई का यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। एंकर ने यकीनन यहाँ पर एआई एंकर ने वेलकम किया है, तो आज तक के जरिए भी एआई एंकर लगातार अपने दर्शकों को खबरें बताती रहती है। आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। मैं ये कहूंगी कि भारत सरकार जो है वो उन्होंने एआई क्रांति ऑलरेडी शुरू कर चुकी कर दी है, चाहे वो मेटवाई हो, नैसकॉम हो, डीआरडीओ हो, उन्होंने अपना एआई रोड मैप ऑलरेडी तैयार कर लिया है। डीआरडीओ की लैब जो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स कायर है, वो उसमें ऑलरेडी एआई रिलेटेड जो रिसर्च है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और सारी लेकिन डिफरेंट बिग कंपनीज जाइंटेक, लेकिन गूगल इन्वेस्ट कर रही है, उनका जो सेंटर है एआई सेंटर है बेंगलोर में, और लेकिन बिग सारे टेक जाइंट कंपनीज वो सारे कोलैबोरेट कर रहे हैं टुगेदर टू कम अप ऑन दिस प्लेटफॉर्म, हेल्प कंट्रीज टुगेदर एंड यू नो डेवलप टुगेदर। और मैं मतलब सारे और यकीन वही आवाज भी यहाँ पर एक दूसरे के जरिए सुनने में भी आई है कि एक साथ अगर हम तकनीकी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे तो संभावनाएं कितनी ज्यादा हैं। अभी एक बहुत लंबी दूरी तय किया जाना बाकी है और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में या फिर हम तकनीकी के क्षेत्र में अगर हिन्दुस्तान अपने आप को देखेगा तो चीन से कई मुद्दों पर अभी वो पीछे खड़ा है। उससे आगे निकलने की जो प्रतिस्पर्धा है उसमें हिन्दुस्तान को और ताकत कैसे लगाना पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी। लेकिन संजय मिश्र जी, सीधे आपके पास आते हुए यहां पर हम बात करें हिंदुस्तान ने क्या हासिल किया, गौरवान्वित कर देने वाली ये तस्वीरें, जिन चुनौतियों की चर्चा बीते एक हफ्ते से हम कर रहे थे कि ये इतना आसान नहीं रहने वाला है, लेकिन एक एक करके उनसे पार पाता हुआ हिंदुस्तान आज कामयाबी की एक नई इबारत गढ़ता हुआ G20 में दिखाई दे रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद, क्योंकि कल शाम को 7 बजे जब जो बाइडेन पहुंचते हैं एयरपोर्ट, उसके बाद सीधे पीएम आवास पहुंचते हैं, द्विपक्षीय बातचीत होती है, उसके बाद आज भी हमने देखा कोणार्क के सूर्य मंदिर के पहिए के सामने फोटो सेशन होता है, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री उनको उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि ये आठ पहिए, आठ जो तीलियां लगी हुई है इसमें, वो कैसे समय चक्र को बताती है और समय चक्र घूमता है तो कब कौन कहां होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद
उनकी अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में इतना बड़ा आयोजन, इसको कैसे आंका जाए? क्योंकि सफलता की प्रगति कई गुना पिछले जितने भी G20 हुए हैं, दो गुने से लेकर पांच गुना तक इस बार दर्ज की गई है जो अब तक निकल के बातें सामने आ रही हैं। संजय मिश्र जी, चित्रा, जहां तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, उनका कद तो बढ़ता ही है, पूरे हिंदुस्तान के अलावा पूरे विश्व में बढ़ता है, और आज उनकी छवि बहुत ऊंची हो जाती है और पूरे हमारे देश की छवि बहुत ऊपर हो जाती है, और इसके कई कारण है। देखिए, हर चीज कोई लीडरशिप से स्टार्ट होती है, तो लीडरशिप, और उन्होंने सही टीम को चुना है, जैसे उनके शेरपा या मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और जो टीम है, एक सही टीम का चुनना बहुत ही जरूरी है, वो उन्होंने अच्छी चुनी। इसके अलावा देखिए, उन्होंने पूरे इस पे एक जो मोमेंटम, एक जो हमारा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, ये उनका इरादा बहुत क्लियर था कि कंसेंसस से ये डिक्लेरेशन साइन होगा, तो वो अचीव हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि एक टीम को एक मोमेंटम, एक डायरेक्शन, एक मोटिवेशन मिला है कि ये करना है, और जितने भी बाकी देश थे इसमें G20 के, और खासकर जो चार इमर्जिंग इकोनॉमीज है, इंडोनेशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, उसके बारे में भी वर्णन किया गया है कि उनका बहुत बड़ा रोल था, अकेले इंडिया नहीं कर सकता था ये, तो ये सब की एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वेल एफर्ट वो है, और डेवलप्ड नेशंस को और डेवलपिंग नेशंस को, इमर्जिंग नेशंस को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, इसमें प्रधानमंत्री की छवि तो जाहिर है बहुत बढ़ती है, और मेरे ख्याल अभी उनकी छवि इतनी बढ़ जाएगी कि अभी पूरे विश्व को उम्मीद होगी कि जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसको अब कैसे बंद किया जाए, क्योंकि अब वो एक बहुत सोर पॉइंट बन चुका है, और उसी की वजह से ये काफी कंटेंशियस इश्यूज रहे हैं। तो क्योंकि यहां पर रूस का विश्वास हासिल कर पाने में यकीनन इंडिया कामयाब रहा है, अगर आप यूक्रेन का जिक्र करते हैं उसमें रशिया का नाम नहीं रहता है, रशिया के साथ आप अपनी मित्रता या जो भी आपकी परिपाटी चली आ रही है उसको आप उसी तरह से कायम रखते हैं, एक ऐसे वक्त में जब पश्चिमी देशों का न जाने कितनी बार हिन्दुस्तान के ऊपर दबाव बना, पिछली बार हम सब ने देखा था पिछले G20 में अमेरिका के दबाव के आगे कैसे रूस के विदेश मंत्री को पहले ही कहा गया कि G20 का घोषणा पत्र आएगा, उसके पहले ही हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप यहां से लौट जाएं, उसके बावजूद यहां पर रशिया का शामिल नहीं किया जाना उस नाम को, यकीनन बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं, एक मित्र देश के तौर पर रशिया से किस तरह की गुजारिश आगे हो सकती है, क्योंकि युद्ध समाधान किसी भी चीज का नहीं हो सकता, बार बार पीएम मोदी की ओर से इस बारे में जोर दिया गया है। रविंदर जी, यहां पर तमाम बातें हम कर रहे हैं उपलब्धि के तौर पर, हिंदुस्तान यकीनन G20 का एक बड़ा आयोजन, कामयाब आयोजन कराने में सफल रहा, कल दोपहर तक इस तरह का कार्यक्रम अलग अलग सेक्टर्स को लेकर हम आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, लेकिन यहां पर रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में यह क्या माना जाए कि आगे आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की भूमिका निर्णायक रहने वाली है? जी हां, फेयर अप। या एक्चुअली देखिए, रूस और यूक्रेन युद्ध जब भी रुकेगा वो तब रुकेगा जब रशिया भी थक जाएगा, यूक्रेन भी थक जाएगा, नेटो भी थक जाएंगे, सब थक जाएंगे और रास्ता ढूंढेंगे शांति या पीस तो नहीं बट एटलीस्ट वॉर स्टॉप हो। इंडिया का जो कद है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वैसी था बट अब और ज्यादा बढ़ रहा है, एक तरह से कहिए हम एक मीडिएटर की रोल में बिल्कुल आ सकते हैं एट द राइट टाइम, अभी नहीं, क्योंकि अभी आप करेंगे, देखिए इन दोनों के युद्ध में इतने डीप इंटरेस्ट हैं, कोई बातों से सॉल्व थोड़ी होता है, और जरूरी नहीं है बाय द वे कि वॉर केवल डिप्लोमेसी आंसर है। अमेरिका में स्लेव ओनिंग साउथ था और नॉर्थ था, अगर वो सिविल वॉर में साउथ अमेरिका के जो स्टेट सर वक्त इतने की इजाजत देता है, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तमाम मतभेद और मनभेद होने के बावजूद कूटनीति के स्तर पर अगर हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, तमाम देशों की मौजूदगी में दिल्ली का ये जो घोषणा पत्र है वो तमाम संकेत करता हुआ, एक मजबूत देश के तौर पर हमने बड़ा संदेश दिया, उस संदेश को दूसरों ने स्वीकार किया, युद्ध कोई भी समाधान की दिशा लेकर आगे नहीं बढ़ सकता है, इस पर हमने पूरा जोर दिया, आतंकवाद का जड़ से लाश जरूरी है, पिछड़े देशों को आगे लेकर चलना होगा, इसका भी जिक्र आज भारत सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए की गई है। अब आगे आने वाले वक्त में इस पर कितना इंप्लीमेंट होता है, तमाम दूसरे मुल्कों को लेकर हम कैसे आगे बढ़ते हैं, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।